हेलो एवरीवन, मैं विवेक सिंह मेरिया एमएससी फाइनल एंटमोलॉजी के टॉपिक ऑर्डर आइसोप्टेरा को लेकर आज फिर आपके सामने हूँ। एमएससी फाइनल एंटमोलॉजी में कुछ सिलेक्टेड ऑर्डर्स हमारे सिलेबस में हैं, उनमें से एक ऑर्डर हमारे पास है ऑर्डर आइसोप्टेरा। ठीक है, इस ऑर्डर में जनरली हम बात करें तो पहचान सकते हैं कि जो दीमक का ऑर्डर होता है वो ऑर्डर आइसोप्टेरा ही होता है। हम एक याद रखने के लिए इसको कोरिलेट कर सकते हैं। अब हमें देखना यह है कि आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑर्डर आइसोप्टेरा की टैक्सोनॉमी क्या है, जनरल टैक्सोनॉमी जो ऑर्डर आइसोप्टेरा में पाई जाती है कि टैक्सोनॉमी क्या है। सॉफ्ट बॉडीड होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी एक से अधिक रूप पाए जाते हैं। जैसे हम जानते हैं कि दीमक की अगर बात करें तो दीमक में वर्कर भी होती हैं, रानी भी होते हैं, सैनिक भी होते हैं, ये पॉलीमॉर्फिक है। सोशल है, यानी अधिक कीट मिलकर एक साथ रहेंगे, कॉलोनी बनाते हैं, विंग्स के साथ भी होते हैं और विंग्स के अलावा भी होते हैं। हम देखते हैं कि दीमक में विंग्स होते भी हैं और नहीं भी होते हैं, विंग्स और विदाउट विंग्स दोनों ही होते हैं। इनमें फोर सेगमेंटेड टार्साई होती है बट विदाउट एक्सटर्नल जेनेटिलिया नहीं पाया जाता। ये इसके टैक्सोनॉमी का मेन की करेक्टर है। अब हम के टैक्सोनॉमी के बारे में और बातें करेंगे। हम जानते हैं कि आइसोप्टेरा में 1700 से ज़्यादा स्पीसीज हैं, 80 से ज़्यादा जेनरा हैं। ये ट्रॉपिकल और टेम्परेट रीजन में ही सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, यानी भूमध्य रेखा के आसपास और भूमध्य रेखा से ऊपर ये ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम इन्हें आर्कटिक और अंटार्कटिक की तरफ देखना चाहें तो आर्कटिक और अंटार्कटिक की तरफ ये ऑर्गेनिज्म हमें नहीं मिलेंगे। ये जो कॉलोनी बनाते हैं उस कॉलोनी में चार तरीके के इंडिविजुअल होते हैं। पहला होता है फर्स्ट प्राइमरी रिप्रोडक्टिव, जो मुख्य रूप से जनन का कार्य करते हैं, जैसे कि उसमें क्वीन और मेल होता है इसमें दीमक में। दूसरा सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव, जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव के नहीं होने पे या इनके ख़त्म हो जाने पे ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं। दूसरा होता है स्टराइल सोल्जर, ये बंधे सैनिक होते हैं जिनका मुख्य कार्य अपनी सुरक्षा, जिनका मुख्य कार्य कॉलोनी की सुरक्षा करना होता है। और स्टराइल वर्कर, ये भी बंधे या जनन अजनन क्षम होते हैं और इनका मुख्य कार्य भी काम करना ही होता है, ये वर्कर होते हैं। ये चार तरीके की, इनमें मुख्य रूप से चार तरीके की कास्ट कैटेगरीज पाई जाती हैं, प्राइमरी प्रोडक्टिव, सप्लीमेंट्री प्रोडक्टिव, स्टराइल सोल्जर्स और फोर्थ वन है स्टराइल वर्कर्स। इनमें जो पहली दो हैं, जो फर्स्ट टू हैं, उनमें हमारे पंख पाए जाते हैं और लास्ट की दो जो हैं यानी स्ट्राइल सोल्जर्स और स्ट्राइल वर्कर्स, इनमें पंख नहीं पाए जाते। जो अब हम आगे बात करते हैं, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव होते हैं वो फाउंड इन द कॉलोनी एंड कंस्ट्रक्ट। ये प्राइमरी रिप्रोडक्टिव जो हैं, जो उनका मुख्य कार्य है रिप्रोडक्शन का, ये एक टर्मिटेरिया बनाते हैं। दीमक के घर को हम टर्मिटेरिया कहते हैं या वल्मिक कहा जाता है। ये वेरियस टाइप के शेल्टर्स बनाते हैं। ये पेस्ट होते हैं, फसलों के पेस्ट, यानी उनके लिए नुकसान पहुंचाते हैं, वुड के लिए, फर्नीचर के लिए, एग्रीकल्चर क्रॉप्स के लिए। दे आर मोस्टली सबटेरेनियन इनहेबिटेड, सबटेरेनियन में इनहेबिट करते हैं। ये हमारे इसके करेक्टर्स थे, टैक्सोनॉमी के की करेक्टर्स। अब हम बात करते हैं इसके टैक्सोनॉमी के एक एक करेक्टर की। हम बात करेंगे कि इसमें हेड कैसा है, एंटीना कैसी है, एब्डोमन कैसा है एंड सो ऑन। तो हेड प्रोग्नेथस टाइप होता है, यानी आगे की तरफ निकला होता है, प्रोग्नेथस टाइप होता है। ये हाईली स्क्लेराइज, यानी स्क्लेराइज होता है, यानी स्क्लेराइट्स जो प्लेट होती हैं इनमें आराम से पाई जाती हैं और सुरक्षात्मक आवरण बना लेती हैं। ये स्फेरिकल या गोलाकार होता है या ये ओवल शेप होता है, दो तरीके के होते हैं। लार्ज होता है, इलोंगेट होता है, पायरीफॉर्म इन सोल्जर्स में पायरीफॉर्म इन नाशपति के आकार के पायरीफॉर्म होता है और डिक्टेरन टाइप सूचर्स और स्क्लेराइट्स होती हैं। क्लाइपियस दो भागों में डिवाइडेड होती है, एंटी क्लाइपियस एंड पोस्ट क्लाइपियस। ये इसका हेड होता है, यानी हेड का मुख्य करेक्टर्स क्या है, प्रोगोनोथस टाइप होता है। हमें याद रखने लायक ये बात है। दूसरा हम ये याद रख सकते हैं कि डिक्टेरन टाइप सूचर्स पाई जाती हैं। ये दो मुख्य बातें हेड में हमें याद रखने लायक बातें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा एंटीना। एंटीना क्या है, एंटीना मोनली फॉर्म है, यानी एंटीना ऐसे होगी, मोतियों के रूप में एक दूसरे से बूंदी से बूंदी जुड़े हुए। इस
प्रकार की एंटीना को कहते हैं मोनिलीफॉर्म एंटीना। यह है 9 से लेके 30 सेगमेंट इस एंटीना में हो सकते हैं। तो एंटीना में हमें याद रखने लायक बातें हमारे पास है मोनिलीफॉर्म एंटीना, 9 से 10 30 सेगमेंट, ये कोई याद रखने वाली खास बात नहीं है, मोनिलीफॉर्म एंटीना याद रखना है। नेक्स्ट हमारा बिंदु है कंपाउंड आई। हम जानते हैं इंसेक्ट्स में जो आई होती है वो कंपाउंड ही होती है और वो छोटे छोटे फेसेट से मिलकर बनी होती है। इसमें रिप्रोडक्टिव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव कास्ट होती हैं जो प्राइमरी रिप्रोडक्टिव और सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव होते हैं। इनमें ये वेल डेवलप होती हैं और जो स्ट्राइल फॉर्म्स होती हैं जिनमें स्ट्राइल वर्कर और स्ट्राइल सोल्जर हमारे दो कास्ट थी, दो कास्ट हमारी रिप्रोडक्टिव थी और दो हमारी स्ट्राइल थी, उनमें ये या तो रीजनरेटेड होते हैं या एबसेंट होते हैं। ओसिली मुख्यतः ओसिली नंबर में दो होती हैं और मीडियन ओसिली होती है वो अनुपस्थित होती है, एबसेंट होती है। अब हम आगे की बात करते हैं माउथ पार्ट्स। तो माउथ पार्ट्स किस प्रकार के हैं? माउथ पार्ट्स मैंडिबुलर टाइप प्रकार के माउथ पार्ट्स हैं। जैसा कि हम कॉकरोच में देखा है कि मैंडिबल्स पाया जाता है जो जबड़ों के रूप में काम करता है और भोजन को काटने पीटने का काम करता है, ये मैंडिबुलर टाइप प्रकार के माउथ पार्ट्स होते हैं जो आइसोप्टेरा के एनिमल्स में भी, आइसोप्टेरा के इंसेक्ट्स में भी पाए जाते हैं। सोल्जर्स जिनका मुख्य कार्य छत्ते की सुरक्षा करना, जिनका मुख्य कार्य कॉलोनी की सुरक्षा करना है, इनमें एपिकली टूथेड होते हैं, वेरिएबल शेप्स के होते हैं, मैंडिबल्स नेस्टेड सोल्जर्स, पजेस वेस्टिजियल मेंबर्स, 5 सेगमेंट मैक्सिलरी पैप्स, 3 सेगमेंट ये हमारे। और खास बात माउथ पार्ट्स के बाद में सलाइवरी ग्लैंड्स आर लार्ज विथ नंबर, सलाइवरी ग्लैंड इनमें बड़ी होती हैं और उनके साथ उनका रिजर्वायर यानी सलाइवा को सुरक्षित रखने का रिजर्वायर भी उपस्थित होता है। तो माउथ पार्ट्स में हमारे लिए मुख्य रूप से बात करने की, मुख्य रूप से याद रखने वाली बात यह है कि माउथ पार्ट्स मैंडिबुलेट टाइप के होते हैं। अगर पूछा जाएगा कि आइसोप्टेरा में माउथ पार्ट्स किस प्रकार के होते हैं तो हमें आंसर देना है कि मैंडिबुलेट टाइप के। नेक्स्ट हमारी बात करते हैं हम थोरैक्स की। थोरैक्स नैरो होता है, इलोंगेटेड प्रोथोरैक्स होता है, शॉर्ट एंड ब्रॉड मीजो एंड मेटाथोरैक्स होते हैं। प्रोथोरैक्स बड़ा होता है और मीजोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स छोटे होते हैं। प्रोनोटम इज वेरिएबल होता है और हेल्ट सील्ड और हेल्ट और सेडल शेप्ड होता है। हमें इसमें सबसे खास बात थोरैक्स की बात करें, थोरैक्स में याद रखने वाली बात है कि हमारा इसमें जो प्रोथोरैक्स होता है वही इलोंगेटेड होता है और बाकी के मीजो और मेटाथोरैक्स ये छोटे और ब्रॉड होते हैं, चौड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लेग्स। लेग्स इसमें लेग्स किस प्रकार के? सिमिलर होते हैं, लार्ज एंड ब्रॉड, कॉक्सी मिरोन लॉन्ग स्लेंडर टाइप के होते हैं। इसमें हमारे लिए जो याद रखने वाली बात है वो एक है कि जो लेग्स हैं उसके 4 टीबिया पे अकोस्टिक ऑर्गन पाया जाता है। ये हमारे लिए स्पेशल पॉइंट है कि लेग्स के 4 इस आइसोप्टेरा ऑर्डर के इंसेक्ट्स के 4 टीबिया पे, आगे की टीबिया पे अकोस्टिक ऑर्गन पाया जाता है जिससे साउंड प्रोडक्शन का काम करते हैं। ये हमारे लेग्स की खास बात है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट है विंग्स। विंग्स किस प्रकार के हमारे? इसमें विंग्स पाए जाते हैं। विंग्स सिमिलर होते हैं साइज और विनेशन में, विदाउट क्रॉस विनेशन होते हैं, बेसल न्यूमरल सूचर होती हैं। विंग्स मोस्टली मेम्ब्रेनस होते हैं एंड विथ रिड्यूस्ड एनलोब रिड्यूस होती है। दे आर प्रेजेंट बिफोर मेटिंग इन रिप्रोडक्टिव्स। विंग्स जो होते हैं वो इनके मेटिंग सीजन में, जो मेटिंग रिप्रोडक्टिव होती हैं, जो हमारी प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स और सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव होते हैं, उनमें मीटिंग के टाइम में ये विंग्स अवेलेबल हो जाते हैं, विंग्स उत्पन्न हो जाते हैं। जैसा कि हम देखते हैं दीमक के में बारिश के मौसम में विंग्स डेवलप हो जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्डोमन की, कि एब्डोमन 11 एब्डोमन के 11 सेगमेंट पे पेयर ऑफ पैराप्रोक्स होते हैं, पैराप्रोक्स इसमें उपस्थित होते हैं। 7 सेगमेंट फीमेल्स मॉडिफाइड इनटू द सबजेनिटल प्लेट्स, सबजेनिटल प्लेट्स में मॉडिफाई हो जाता है। नेक्स्ट हमारा इसी का नेक्स्ट पॉइंट है सरकाई। सरकाई कैसी होती हैं? ये पेड़ होती हैं, मल्टी सेगमेंट होती हैं, 1 से 10 सेगमेंट होती हैं, अपेंडेजेज एज द अपेंडेज ऑफ 10 सेगमेंट, 10 सेगमेंट भी अपेंडेजेज होते हैं। 9th स्टेनाइट बियर अनदर स्पेयर वर्कर एंड मेल रिप्रोडक्टिव कास्ट, वर्कर एंड मेल रिप्रोडक्टिव कास्ट, ये इसकी खास बात है। अब हम अगला टॉपिक बात करते हैं, अगले पॉइंट पे पहुँचते हैं। तो हमारा अगला पॉइंट है ओवीपोजिटर। ओवीपोजिटर यानी जिससे
जिस जो हमारी कॉपुलेशन में सहायता करता है, या तो यूपोजिट एबसेंट होता है या रिड्यूस्ड होता है। ब्लाटेरियन टाइप जो मिजोटर्मिस में पाया जाता है, ये ब्लाटेरियन टाइप का ओविपोजिटर होता है जो मिजोटर्मिस में पाया जाता है। तो हमें ओविपोजिटर में मेरे लिए याद रखने वाली बात है कि ब्लाट पाया जाएगा तो ब्लाटेरियन टाइप होगा जो मिजोटर्मिस में पाया जाता है। मेल कोपुलेटरी ऑर्गन्स क्या है? मेम्ब्रेनस और मीडियन पेनिस होता है मेल कोपुलेटरी ऑर्गन। अब हम बात करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की, यानी हमारी इसकी आहार नाल कैसे होगी। कोइड होती है, घुमावदार होती है, वेल डेवलप्ड गिजार्ड। गिजार्ड हम जानते हैं कि उसमें भोजन को पीसने का काम किया जाता है। इसोफेजियल वाल्व भोजन को वापस मुंह की तरफ जाने में रोकता है। ट्यूबुलर कोइड होती है, मिडगट होती है, 2 to 8 mpg ट्यूबुल्स होती हैं, 2 से 8 mpg ट्यूबुल्स पाए जाती हैं। 4 से 5 इंट्रिंसिक सीका होते हैं, हाइंडगट डिफरेंशिएटेड टू इलियम, इलियम कोलन और रेक्टम। जो इसकी हाइंडगट होती है वो 3 पार्ट इलियम कोलन और रेक्टम में विभाजित होती है, बटी हुई होती है। स्लाइवरी ग्लैंड्स में हमने बात की थी कि स्लाइवरी जब हमने माउथ पास पढ़ा था तब क्या पढ़ा था कि स्लाइवरी ग्लैंड में रिजर्वे रहते हैं, तो वहीं आगे होता है। स्लाइवरी ग्लैंड्स रेसिमोज टाइप की होती हैं और स्लाइवरी रिजर्वेयर उनमें उपस्थित होते हैं। तो एलिमेंट्री कैनाल में हमारे पास जो बात याद रखने लायक है वो ये है, गिजार्ड उपस्थित होती है, इसोफेगस वाल होता है, 8 से 10 mpg ट्यूबुल्स होती हैं, स्लाइवरी और हाइंडगट जो होती है वो ईलियम कोलन और रेक्टम में विभेदित होती है, स्लाइवरी ग्रैंड वेल डेवलप्ड होती हैं, रेसिमोज टाइप होती हैं और स्लाइवरी रिजर्वोयर इनमें उपस्थित होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अब हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। तो सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका हार्ट 8 से 10 चैम्बर्ड होता है और वेल डेवलप्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। नर्वस सिस्टम 6 एब्डोमिनल गेंगलिया होते हैं, इसमें 6 गेंगलिया पाए जाते हैं एब्डोमिनल रीजन में, और डिक्टेरियन टाइप इसमें नर्वस सिस्टम होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। एपिडर्मल ग्लैंड्स फ्रंटल ग्लैंड जो हेड में पाई जाती है, हाईली डेवलप होती है इन सोल्जर्स एंड सीक्रेटिंग ए डिफेंसिव सबस्टांस, यानी सोल्जर्स में फ्रंटल ग्लैंड वेल डेवलप होती है और ये एक डिफेंसिव फिरोमन सीक्रेट करती है जिसे सुरक्षा में अपने काम आता है। स्टर्नल ग्लैंड्स 3/4 एब्डोमिनल स्टर्ना सीक्रेटिंग रिक्रूटिंग फिरोमन्स, ये रिक्रूटिंग फिरोमन्स सीक्रेट करते हैं। ट्रेकेल सिस्टम 2 थोरेसिक और 8 एब्डोमिनल पेयर्स और स्पाइरेकल्स इसमें पाए जाते हैं, जिससे की सहायता से श्वसन का कार्य किया जाता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो होता है वो सिर्फ रिप्रोडक्शन, हम जानते हैं हमने जब दो बात की थी, रिप्रोडक्टिव कास्ट हमारी दो होती है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव्स और सप्लीमेंट्री रिप्रोडक्टिव्स। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम उन्हीं में वेल डेवलप पाया जाता है। ए पेयर ऑफ टेस्टिस होते हैं, सिंपल कस्टिंग 8 to 10 डिफरेंस इन फोलिकल्स होते हैं और ये एक वेल डेवलप्ड प्रकार का रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये भी हमारा सिर्फ रिप्रोडक्टिव कास्ट में ही पाया जाता है। ये पेन ऑस्टिक ओवरीज पाई जाती हैं इसमें, तो 3 से 3000 ओवरियोल्स इसमें पाए जाते हैं, ओवरियोल्स इसमें पाए जाते हैं। तो हम अगर रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात करें तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम वेल डेवलप होता है प्राइमरी रिप्रोडक्टिव कास्ट में, न कि हमारी स्टराइल कास्ट में। मेटामॉर्फोसिस पोस्ट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट इनमें पाया जाता है। रिप्रोडक्टिव अराइज द निम्फ, रिप्रोडक्शन कास्ट से निम्फ होते हैं जिनसे विंग्ड पैड सोल्जर्स निम्फ्स विदाउट विंग पैड होते हैं। फूड क्वालिटी एंड हार्मोनल इंट्रेक्शन ब्रिंग द डिफ्रेंशिएशन, जिस आधार पर जिस प्रकार का भोजन होता है और हार्मोनल चेंजेस होते हैं उनके आधार पर इनका डिफ्रेंशिएशन होता है। सोल्जर्स आर एबसेंट फ्रॉम एनोप्लोटर्मिस एंड स्पेक्लोटर्मिस, वर्कर्स आर एबसेंट इन केलोटर्मिस। ये 2-3 चीज़ें हमें खास बात याद रखने की हैं। तो इस प्रकार हमने आज के वीडियो में पढ़ा कि ऑर्डर आइसोप्टेरा की जनरल टैक्सोनॉमी क्या है। आगे की वीडियो में हम इसके एक एक सबपॉइंट्स लेते रहेंगे। थैंक यू।